इंडिया की सबसे पुरानी पेंटिंग सीताबंगा एंड जोगीमारा केव्स में मिली है। चलिए आज हम सीताबंगा एंड जोगीमारा केव्स में मिली हुई पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं। सो द सीताबंगा एंड जोगीमारा केव्स इज आर एंशियंट केव्स मॉन्यूमेंट्स नेस्टेड इन द नॉर्थ साइड ऑफ रामगढ़ हिल्स इन अ पुटा विलेज छत्तीसगढ़ इंडिया। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है जहाँ पर ये केव्स अभी भी स्टैब्लिश हैं। इंडिया डेटेड बिटवीन द 3rd century BCE टू 1st century BCE। दे आर अ नोटेबल फॉर देयर नॉन रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस इन अ ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड मागधी लैंग्वेज। इन दो लैंग्वेज की स्क्रिप्ट वहाँ पर मिली हुई हैं। एंड द जोगीमारा केव्स इज अबाउट अ 15 feet by 12 feet एंड हैज़ इन द इनसाइड हाइट जस्ट ओवर अ 6 feet। देयर आर अ 8 panels ऑफ म्यूरल इन जोगीमारा केव, मोस्ट आर बैडली पेडेड। एक्चुअली बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं इसलिए पेडेड हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पता चल पाई है, बट इसके कुछ की फीचर्स मिले हैं जो कि अकॉर्डिंग टू विंसेंट स्मिथ के हैं। तो हम देखते हैं जो पैनल्स हैं, जो 8 panels हैं, उन हर एक पैनल्स में क्या पेंटिंग्स बनी हुई थी और क्या उनके की फीचर्स थे और सब्जेक्ट्स क्या थे। सो फर्स्ट पैनल की बात करते हैं हम। उसमें जो फर्स्ट पैनल है, उस पैनल में जो पेंटिंग्स हैं उसमें ऐसा लगता है कि उसमें एक डांसिंग गर्ल है, म्यूजिशियन अराउंड अ सिटिंग अ डांसर। उसके आस एक डांसिंग गर्ल है जिसके चारों तरफ म्यूजिशियन है और एक सिटिंग डांसर है। ओके, सो सेकंड पैनल मैनी मेल फिगर्स एलिफेंट। अगर हम थर्ड पैनल की बात करते हैं तो सम पीपल सिटिंग अंडर अ ट्री। ओके, और फोर्थ पैनल पे अगर हम देखते हैं कि क्या उसमें है तो अ कपल ऑफ डांसिंग ओवर अ लिली फ्लावर। तो जो एक कपल है जो डांस कर रहा है लिली फ्लावर के आसपास। पैनल 7 अ डॉल और गर्ल प्लेइंग। पैनल नंबर 6 में जो पेंटिंग्स है उसके जो कॉन्टेंट है वो है अ बॉय ऑन अ ट्री ब्रांच, अ बर्ड ऑन अनादर ब्रांच, न्यूड गर्ल्स अराउंड द ट्री। ओके, अब हम बात करते हैं 7th number की पैनल की कि उसमें क्या है। अ प्रोसेशन ऑफ अ एलिफेंट एंड 7th के बाद जो लास्ट जो पैनल मिला है उस पैनल में है अ प्रोसेशन ऑफ अ चैरियट और हॉर्स एंड अ सम व्हील द फ्लोरिंग अ प्लांट्स। तो जो ये पूरे 8 panels हैं, इन 8 panels में जो जो पेंटिंग्स मिली हैं उनके बारे में आपको डिस्क्राइब किया है। उन पैनल्स को ध्यान से आप चाहें तो स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि कैसे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं मिली है, बहुत फेडेड हो चुकी थी और एक तरह से देखा जाए कि ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। बट ये इंडिया की बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं इसलिए आज भी इंडिया के लिए बहुत वैल्यू करती हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा आर्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में उनके आर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एक गोल्डन टाइम था जब बहुत सारे आर्ट के से रिलेटेड हमें चीज़ें मिली हैं। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं जो भी आपके टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।